हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्न नंबर 13.2 पे और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। एक्स बराबर 10 पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ प्रथम सिद्धांत का ही अभी प्रयोग करके अवकलज ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। शुरू में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अवकलज, तो इसलिए हम लोग प्रथम सिद्धांत का ही प्रयोग करके बनाएंगे। मान लेते हैं यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्या कह रहा है हमें, एक्स बराबर 10 पर अवकलज ज्ञात करना है। तो हम लोग प्रथम सिद्धांत वाला फॉर्मूला पढ़े हैं कि एफ डैश एक्स इक्वल टू होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस h माइनस का एफ एक्स बटा में h, ये आपका फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्रिंसिपल वाला। तो हमें एफ डैश 10 ना निकालना है, देखो फंक्शन का x बराबर 10 पर, यानी कि एफ डैश हमें 10 निकालना है। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यहाँ से लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, बस x की जगह यहाँ 10 कर देंगे, f 10 प्लस एच माइनस एफ 10 और बट्टा में h। चलिए अब इसमें रखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f 10 प्लस h का वैल्यू क्या होगा। तो फंक्शन में x की जगह 10 प्लस h रख देंगे, यानी हो जाएगा वहां पर 10 प्लस h का स्क्वायर माइनस 2 माइनस f 10 का वैल्यू, तो इसमें 10 रख देंगे x की जगह, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 2 और बटा में आपका एच। चलिए आगे इसे सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ देखो इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, यहाँ हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 10 इंटू में एच प्लस एच का स्क्वायर और माइनस 2 है तो वो रहेगा, और यहाँ माइनस का 10 स्क्वायर और यहाँ माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा और बटा में आपका एच। 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर कट जाएगा, 2 से यहाँ 2 कट जाएगा, इन दोनों में से h कॉमन कर लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 h कॉमन करेंगे तो 20 प्लस का h बचेगा और बटा में h है, h से h कट जाएगा, 20 प्लस h बच गया और 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस 0 यानी कि 20 आ जाएगा। तो f डैश 10 यानी कि फंक्शन का x बराबर 10 पर जो अवकलज था वह 20 आ गया, समझ गए। ऐसे अगर आप डायरेक्ट करते हैं इसका अवकलज हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू, मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x हो जाएगा और एक कॉन्स्टेंट है तो इसका 0। अब फंक्शन में हम लोग 10 रख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो बड़े सिंपल तरीके से भी आप इस तरह से ही बना सकते हो, लेकिन अभी प्रारंभ की बात हो रही है, अभी शुरू में हम लोग अवकलज सीख रहे हैं, इसलिए हम लोग प्रथम सिद्धांत पर ही बनाएंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से ही बनाएंगे, ठीक है। चलिए।